आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार, आप टीडी न्यूज पर बिहार नीति देख रहे हैं। आज की इस एपिसोड में हम आपको फिर से बताएंगे कि सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर हैं और इस दौरान वो कई नेताओं से मिल रहे हैं। मुलायम सिंह से मिलने के बाद सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है, अखिलेश यादव के सामने और भी कही ये बात। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार विपक्षी दल को एकजुट करने में लगे हुए हैं। बीते सोमवार को वो पटना से दिल्ली गए। दिल्ली में कई नेताओं से वो मुलाकात कर चुके हैं। नीतीश कुमार मंगलवार को मुलायम सिंह से मिलने के लिए मेदांता अस्पताल पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव भी उनके साथ थे। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव के साथ सीएम नीतीश कुमार बाहर आए। इस दौरान मीडिया के सामने नीतीश कुमार ने कहा कि मुलायम सिंह की तबीयत खराब थी, देखने आए थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों की बातचीत और व्यू तो एक ही है, सबको मिलाकर आगे बढ़ना है। इस दौरान यूपी की जिम्मेदारी और योगदान के सवाल पर नीतीश कुमार ने हंसते हुए अखिलेश यादव की तरफ देखा और उनके सामने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि ये सब यूपी का आगे और नेतृत्व करेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव से पूछा गया कि क्या वो लोग नीतीश कुमार के साथ में हैं, तो इस पर अखिलेश ने जवाब दिया कि हम सब साथ हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। केजरीवाल और नीतीश कुमार के बीच लगभग डेढ़ घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक साथ लंच भी किया। मुलाकात के दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और जनता दल यूनाइटेड नेता संजय झा भी थे। केजरीवाल से पहले नीतीश ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा से भी मुलाकात की थी। उन्होंने सोमवार को राहुल गांधी से मुलाकात की थी। विपक्ष को एकजुट करने के लिए लगातार मुलाकात का सिलसिला जारी है। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार अपने मंसूबे में कितना कामयाब होते हैं। फिलहाल देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार।